रहे हैं, हम ये सीरीज चला रहे हैं अग्निवीर के लिए, तो पूरे के पूरे 2023 में, अप्रैल 2023 में पेपर जितने भी हुए थे शिफ्टों में, कितनी भी शिफ्ट हैं, तो आपके एग्ज़ाम तक हम ये वीडियो लाते रहेंगे इस टाइप की। तो प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर आपको बहुत बेहतर अगर रिजल्ट देखना है गणित में, मैथ्स में, तो आपको ये वीडियो की सीरीज़ जो आपकी पूरी पूरी देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए आर्मी जीडी अग्निवीर 13 अप्रैल 2023 के क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आएंगे, अगर देख लो, फिर बाद में अगर पछताओगे फिर बोलोगे अरे यार ये क्वेश्चन तो यहाँ से आया था, क्या पता यहाँ से उठ के ही क्वेश्चन आ जाए या फिर इससे नंबर चेंज होकर के क्वेश्चन आ जाए। तो इस वीडियो को आपको देख लेना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो पहले पेपर हो चुके, कुछ हुबहू वो के वो क्वेश्चन उठा के रख देते हैं कुछ। तो 30 नंबर लाने का टारगेट है, अगर आप हमारा साथ दोगे ना तो 30 नंबर हम ला के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ये, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं, और अकेला जो बी है वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो अकेला ए कितने दिन में काम करेगा, तो 20 और यहाँ पर 25 है, कितने दिन, 25, तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 20 का भाग इसमें दिया कितना, तो ये जो रहता है ना हमारा, ये रहता है टोटल वर्क, क्या रहता है, टोटल वर्क। तो 20 में 100 का भाग, 20 का भाग 100 में दिया तो कितना आया, 5 आया, 25 का इसमें दिया कितना आया, 4 आया। अब अकेला बी कितने काम कर लेता है एक दिन में, 4 काम, और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, एक दिन में 5 काम, अर्थात ये कैपेसिटी का रेशो आया, क्या आया, कैपेसिटी का रेशो आया। हम मैं बोल सकता हूँ कि अकेला बी कितना काम करता है, 4, और इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 5, अकेला ए कितना काम कर लेगा एक दिन में, 1 काम, तो टोटल 100 काम करवाने हैं ए से, और कितनी कैपेसिटी के साथ, ए की कैपेसिटी के साथ, कैंसिल आउट किया कितने आ गए, 100 दिन आ गए, अर्थात अकेले अगर मैं ऐसे करवाता हूँ तो वो कितने दिन में कर लेता है, 100 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चनों की ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से सोल्व करें, वो तभी संभव है अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी अगर पहले कर ली होगी। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं, और वो भी ये किस में आए, 13 अप्रैल 2023 आर्मी जीडी अग्निवीर में आए। ध्यान रखना मैं आपके ही वैकेंसी का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 0.25 + 1.37 - कितने हैं, 0.36। मैं इसका एक तरीका भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पर एक तो क्या कर देना, देखो पहले सबसे पहले तो 37 में से 36 आएगा तो क्या बचेगा, 1.01 बचेगा, और इसमें मुझे प्लस कर देना है ये 25, तो 25 प्लस करोगे तो कितना जाएगा, 1.26 हो जाएगा, अर्थात 1.26 क्या जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको एग्ज़ाम में अगर करने के लिए बोलता हूँ तो एग्ज़ाम में किस प्रकार से करोगे आप, देखो आप तो यहाँ पर देखो कि 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 1, और 5 1 में जोड़ देंगे कितना जाएगा, 6, तो आखिरी का अंक कितना आना चाहिए, 6, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन लगा करके ख़त्म करो, अगला क्वेश्चन बढ़ाओ, ये क्वेश्चन है अगला। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, संख्याएँ ज्ञात कीजिए, संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, एग्ज़ाम में किस प्रकार से हमें सोल्व करके जाना है। तो 2 संख्याएँ का योग 45 है, लेकिन पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या कितना है, 8, अनुपात में, यानी कि आखिरी वाली जो संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या 23:8 से डिवाइड होता है, 24:8 से डिवाइड होता है, हाँ, 25:8 से डिवाइड होता है, नहीं, 26:8 से डिवाइड होता है, नहीं, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन टिक लगा करके हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इसी टाइप से हमें एग्ज़ाम में करना होता है। कम टाइम आपको वैसे ही रहेगा, आपके बहुत कम टाइम रहता है एग्ज़ाम में, अगर आपने यूनिक तरीका अगर नहीं अपनाया ना तो एक क्वेश्चन छूट सकते हैं आपके, तो इस टाइप से हमें करना है। तो वैसे अगर हम बात कर लें तो टोटल योग कितना है 2 संख्याओं का, 45, और 7:8 है, 7:8 है, इन दोनों को जोड़ करके कितना आया, 45, तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 कितने हो गए, 15, तो 15 + 3 कितने हो गए, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 3 का इंटू यहाँ कर दोगे 21 आ जाएगा, और 3 का इंटू यहाँ कर दोगे 24 आ जाएगा, अर्थात 21 और 24 दो संख्याएँ, 21 और 24 सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, जियोमेट्री का है ये क्वेश्चन, एंगल फाइंड करना है इसमें, तो आपको देखना है दी गई आकृति में त्रियक रेखा पी रेखा, ये पी रेखा है, ये त्रियक रेखा है, एम को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एम को प्रतिच्छेद करती है और यहाँ पर आई को भी प्रतिच्छेद करती है, एक्स का पूरा कोण बताना, तो ये कोण क्या है, एक्स है, तो आपको समझ लेना है ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है,
इसमें दिया है 115 डिग्री का कोण, क्या दिया है 115 डिग्री का कोण दिया है, और यहाँ पर दिया है वाई का, यहाँ पर क्या दिया है वाई, और यहाँ दिया है एक्स, तो एक्स का क्या बताना है पूरा कोण बताना है, क्या बताना है पूरा कोण, तो आपको पूरा कोण समझना पड़ेगा, तो एक्स प्लस पूरक, एक्स प्लस पूरक बराबर कितने डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये पूरक जब दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री करना है तो x का पूरक बताना है, तो देखो आप अगर ये 115 डिग्री का है तो ये इस लाइन के ऊपर है और लेकिन बाई साइड है, तो इस लाइन के ऊपर ये है और बाई साइड ये कितने की डिग्री का हो जाएगा, ये भी 115 डिग्री का हो जाएगा। अब ये टोटल कोण 180 का होता है, तो 180 में से 15 जब मैं माइनस करूँगा तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी 65। अब x, अब यहाँ पर x बराबर कितना है 65, तो 65 में क्या जोड़ दूँ कि बराबर 90 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 25 जोड़ दो तो बराबर 90 आ जाएगा, और 90 क्या होता है पूरक कोण होता है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, अर्थात x का पूरक कोण क्या होगा 25 डिग्री, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ना ही मैंने यहाँ पर ऑप्शन फाइंड ऑप्शन दिए, एग्जाम में जो ऑप्शन दिए थे 1, 2, 3, 4 संख्या में नंबर में वो के वही है, और जो क्वेश्चन जैसा का जैसा दिया हुआ वो मैंने यहाँ पर उठा लिया है। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो आप, वैसे बताने में तो मैं ऐसे बता देता लेकिन आपको समझाना भी पड़ रहा है थोड़ा सा। एक धावक 30 सेकंड में 30 मीटर की दूरी चलता है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितनी दी है 300 मीटर दिए, कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेगा 30 सेकंड में, तो ये मीटर है और ये क्या है सेकंड है, अर्थात मीटर बटे सेकंड, ये पहले से ही स्पीड किस में आ गई है, पहले से ही स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में, अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, क्यों बदलना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में गति बतानी है, तो जब कभी भी किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किलोमीटर बड़ा होता है या फिर मीटर पर सेकंड बड़ा होता है, या फिर मीटर पर सेकंड बड़ा होता है, तो आप बोलो किलोमीटर बड़ा है, तो 5 और 18 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है तो 18 ऊपर रख दो क्योंकि किलोमीटर में जाना है आपको, और 5 नीचे रख दो, यहाँ पे 0 से 0 3 धाम है 30 और 5 दूने 10 यानी कि 18 दूने 36 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या रहेगी स्पीड रहेगी, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप अगला क्वेश्चन देखो कि एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 46 वर्ष है, कितनी है 46 वर्ष, तो एक तरीका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कॉन्सेप्ट वाला, और एक तरीका मैं आपको डायरेक्ट वाला बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले 5 सदस्यों की औसत आयु, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर इसके बाद मैं क्या बताऊँगा ट्रिक, तो 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष, तो 5 का इंटू में औसत में कर दूंगा, अर्थात नंबर ऑफ संख्या का इंटू औसत में करूंगा तो क्या मिल जाएगा योग मिल जाएगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 5×20 और 5×31 यानी कि 230 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 230 हो जाएंगे। अब परिवार में एक सदस्य का विवाह हो गया, मतलब 5 से विवाह हो गया, तो भाई विवाह अगर होगा यानी कि लड़के का विवाह होगा क्योंकि लड़की लाया होगा वो साथ में, तो एक दुल्हन एक्स्ट्रा में घर में बढ़ गई, तो एक सदस्य और बढ़ गया, तो 5 से क्या हो गया 6 हो गया, अब उनका क्या होगा औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है, तो पहले 46 था 3 की कमी हो गई, अब बचा कितना 43 बचा, कितना बचा 43, तो 6×3=18 एक बचा और 6×24 और कितने हो गए 25, अब वो 258 हो गया। अब मुझे बताओ कि ये 5 से एक सदस्य 6 हो गया, तो जो सदस्य था नया सदस्य था, नया सदस्य था 30 से क्या हो गया 58 हो गया, अर्थात वो 28 वर्ष का होगा, तो नया सदस्य कितने वर्ष का होगा 28 वर्ष का होगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे अगर 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष है ले, और एक सदस्य शादी होकर के आ गया है विवाह हो गया, तो अब व्यक्ति कितने होगा 6 व्यक्ति होगा, तो उस व्यक्ति के आने से औसत में कितनी कमी आ जाएगी 3 की कमी, अगर 46 वर्ष का ही आता तो औसत में कोई कमी नहीं होती, औसत में कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये आया कितने का, ये आया कम का आया होगा इसलिए तो औसत में कमी कर गया ये, तो अब मुझे बताओ 3 का आया, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि 5 से कितने सदस्य होगा 6, तो 6 में पूरे 6 सदस्यों में प्रत्येक में कितनी कमी कर दी
तीन की कमी कर दी, तो एक में तीन की कमी और छः में कितनी कमी, 18 की कमी। तो 46 में से जब 18 माइनस करोगे तो बचा कितना, 28। तो 28 वर्ष का नया व्यक्ति होगा। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये कितने हैं, 12,000 है। कितने हजार, 12,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। रुपये कितने हैं, 12,000। रुपये कितने हैं, 12,000। और देखो ये मूलधन है प्रिंसिपल, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, 15%। और आपको बताना है एसआई, बताना है क्या बताना है, एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। लेकिन ये सिर्फ आपका क्या नाम का होता है, लेकिन हम हर बार P इंटू आर इंटू टी नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एक अंक के पहले पॉइंट लगा देता हूँ तो वो कितना हो जाता है, वो 10% वैल्यू हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10% वैल्यू हो जाती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि 10% वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये है। 10% वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। और 5% की वैल्यू इससे आधी हो जाएगी, 6। तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15%। और 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 1800। यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना है, 1800 रुपये। और 3 वर्ष का निकालना है, तो 18 3 5400 रुपये एसआई आपका हो जाएगा, अर्थात 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन देखो, ये हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। देखो व्यास कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, कितना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो। तो जब कभी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, जब कभी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो उसकी परिधि कितनी होगी, ये आपको क्या कर लेना है, एकदम से याद कर लेना है, रट लेना है। और क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप देखो परिधि 44 सेंटीमीटर होती है, परिधि कितनी होती है, 44 सेंटीमीटर होती है, और क्षेत्रफल कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको अगर निकालना ही है तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, आप निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, निकाल सकते हो। तो मैं निकाल के भी बता देता हूँ आपको, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू मतलब 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 × 14 = 4, 1 बज गया, 7 × 14 और 1 कितने हो गए, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपको देख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, बिल्कुल रसगुल्ले वाले क्वेश्चन है, खाते ही क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन भी नॉर्मल से हैं। 60:140, तो 60:140, 60:140 का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है 60/140, ये होता है अनुपात का मतलब बटे में। तो ये अनुपात है ना, तो बाद वाली संख्या नीचे पहुंचती है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 3 बार, 2 से कैंसिल आउट कितनी बार, 7 बार, तो 3/7। तो हम भाग देंगे, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 0, तो 7 × 28 बज गए 2, फिर 0 20 हो गए, तो 7 × 2 = 14, अर्थात 0.42 आंसर हमारा आ जाएगा लगभग में, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप इन क्वेश्चनों से डरते हो, नहीं डरना है हमें। तो 273/x, 273/x बटे में क्या है, x बराबर कितने हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए, 3, तो x का मान बताना है। तो एक काम करते हैं, x को उधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 273/3 और x का गुणा उधर जाएगा, तो क्या जाएगा, x 3 × 9 = 27 और 3 × 1 = 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 91 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 91, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, आपको मजे आ रहे होंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपका भी दायित्व बनता है वीडियो लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो 45 - 15 + 12, तो लिख देता हूँ मैं, 45 - 15 + 12 बटे में 3 × 2 + 1 बराबर क्या होना है। तो सबसे पहली बात तो ये प्लस माइनस में भी कोई सा भी सोल्व कर लो, तो 45 में से 15 गए तो बचे कितने, 30, और 30 में 12 जोड़ दे कितने हो गए, 42 हो गए, कितने हो गए, 42। तो पहले इंटू वाला होता है बोर्ड मास के नियम, तो 3 × 2 = 6 और 1 कितने हो गए, 7, तो 7 × 6 = 42, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6, सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि 2x-3y, ये क्वेश्चन बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या रहेगा बढ़िया रहेगा। तो क्या है 2x³-3y² कोमा, ये कोमा आ गया, ठीक है ना, कोमा। तो यहां पर देखो, अब ये एक अलग संख्या है कोमा, तो ये एक अलग संख्या मैं लिख दे रहा हूं। तो यहां पर 4x³-3y², फिर अगली संख्या आ गई क्या 6x³+3y². आपको क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो ये क्यूब क्यूब वाली एक तरफ जोड़ दो और यहाँ पर क्या कर दो, माइनस वाई वाई वाली एक तरफ जोड़ दो, वर्ग वाली। तो ये क्यूब क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, 6 × 4 = 10 और दो कितने हो गए 12x³। यहाँ पर क्या है देखो, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस का 3y² बचा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 × 4 कितने हो गए 12, तो 4x³ आ गया, साइन माइनस का है। और यहाँ पर अगर 3 कॉमन लेते तो क्या बचा, y वर्ग बचा कॉमन, अर्थात 3, ये देखो 3 सब में 4x³ कहाँ है, 4x³ ये माइनस वाई का वर्ग, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्तियों के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है तो उनके औसत में 2.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट वही बताऊंगा मैं, 8 व्यक्ति है और उनका औसत वजन कितना था, ये था, तो कितने हो गए यहाँ पर 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, यानी कि 8 × 6 = 48 यानी कि 520 हो गए, कितने हो गए 520 हो गए। तो टोटल जो है कितना वजन हो गया, टोटल 520 वजन हो गया। अब देखो आगे, फिर नया व्यक्ति आया, एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर दूसरा, अभी भी 8 ही व्यक्ति है, लेकिन क्या हो गया, अब 2.5 किलोग्राम से बढ़ गया, यानी कि पहले 65 था, अब कितने हो गए 67.5 हो गया, कितना होगा 67.5 हो गया। अब आपको यह देखना है, अभी भी 8 ही व्यक्ति है, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा कितना, 8 × 2 = 16 = 20, यानी कि 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको देख लेना, कितने हो गए 540 हो गए। तो आप देखो कि यहाँ 520 और यहाँ कितने हैं 540, तो यहाँ पर जाने वाले व्यक्ति और आने वाले व्यक्ति में अंतर कितना है 20 kg का है, कितने का है 20 kg का। गया व्यक्ति कम का होगा और आया व्यक्ति ज़्यादा का होगा, तभी क्या बड़ा, औसत बढ़ा है 20 से बढ़ गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पहले कितने का था 65 का, अब 20 और एक्स्ट्रा में आया होगा आने वाला व्यक्ति, 65 और 20 कितने होगा 85 होगा। तो आने वाला व्यक्ति कितने का था 85 kg का था, कितने केजी का था 85 kg का था। जब कभी भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये जो है ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किलोग्राम वाले मैं आपको बहुत ही बेस्ट और ट्रिक से बता दूंगा, फिर कभी आप नहीं भूल पाओगे। ये क्वेश्चन देखो आप, 300 का 48% क्या है, अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या देने वाला, 300 का 48% निकालना है, बटे में क्या लगा देना 100, 0 से 0, 0 से 0। तो यहाँ पर देखना है 5 × 3 = 15, यानी कि कितने होगा 144, 48 × 3 कितने होगा 144, तो 144 यहाँ पर क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि x + y = 6 और x × y = 8, तो x से बड़ा है y से, तो x बराबर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 4 और 2 है, और 4 × 2 कितने हो गए 8, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, 4 × 2 कितने हो गए 8 और 4 × 2 कितने हो गए 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो यानी कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन, बहुत ही स्पीड में करें और बहुत ही कम टाइम में करें। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि हमें ऐसी वीडियो और चाहिए, वो तो मैं और बनाने की कोशिश करूँगा बहुत ही कम।